हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्रिंस प्यारे से परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। एडवांस मैथ का पोर्शन कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बेटा ये आपकी सेकंड क्लास है। कौन सी? सेकंड क्लास। आपको फर्स्ट क्लास जो थी आपको देखनी है, वो बहुत ज़रूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा वो फर्स्ट क्लास आपका बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का बेस था, और आपने अगर बेस ही अपना नहीं मजबूत किया है तो फिर आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में लिए के आपको बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी आपसे एक अनुरोध है, ये कहना है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयरिंग जरूर करिए। अब चलिए देखते हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट भी पढ़े थे हमने। हाँ, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट तो देख लिए थे। साइन रेशियोस अपने कितने थे? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। इसके बाद ये बेसिक भी देख लिया था, पाइथागोरियन प्रमेय। हाँ, थ्योरम भी देख ली थी। क्या थी? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। करेक्ट बेटा। इसके बाद हमने कुछ पाइथागोरियन इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रिपलेट भी देखे थे। आपके कौन से ट्रिपलेट थे फिर से आपको रिपीट करा दें? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 1, 1√2, 1√3 और 2। और आप भी जाते हैं इन्हीं ट्रिपलेट में से अगर मल्टीप्लाई करा दें किसी नंबर का तो असंख्य ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं, या डिवाइड करा दें किसी रूट वाली संख्या से तो आप इन्हीं कुछ ट्रिपलेट्स में से असंख्य ट्रिपलेट का आप खुद ही जनरेट करके निर्माण कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक बात हमने सब अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जान ली थी। इसके बाद हमने इसका रेसिप्रोकल भी देख लिया था। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या? 1/cosec थीटा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा। करेक्ट। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/sec थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/cos थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/cot थीटा। तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/tan थीटा। इसके बाद फाइनली इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो हम कह सकते हैं कि बेटा इसको ये भी तो कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? कॉसेक थीटा के इक्वल में। कॉसेक थीटा। इसके बाद इसको ऐसे कह सकते हैं बेटा, जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? सेक थीटा के। इसके बाद एज अ सेम इसको भी तो कह सकते हैं ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। किस कंडीशन से? रेसिप्रोकल की कंडीशन से। करेक्ट। इतनी बेसिक बात यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास में जान लेते। इसके बाद एक नंबर, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, और किसमें? SSC CPO 1/10/2023 Shift 1 में रिलेवेंट आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, आज आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी? क्वेश्चन नंबर टू से। चलिए क्वेश्चन नंबर टू को प्यार भरी नज़रों से देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपको दिया गया है टेन थीटा की वैल्यू दी गई है 2/5। चलिए यहाँ पे बेटा आपको, यहाँ पे ना आपको टेन थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है? हाँ, टेन थीटा जो है आपका हाँ चलो सारी क्या हो गया है बोर्ड में। हाँ चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया? टेन थीटा की जगह पे देखिए, जो आपका थीटा है ये कोई एंगल होता था। हाँ, तो अब उस एंगल का मान क्या दे दिया गया? 10A। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 10A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5। और 10 होता क्या है अपना? 10 होता है अपना, आप बोलेंगे P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो
इन ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में आपका ए कहाँ पे होगा, आपने एज्यूम किया आपका एंगल ए आपका ये है करेक्ट, ये क्या है एंगल ए, बात समझ में आई, एंगल ए, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग एंगल ए कहाँ पे टिका है, वह आपका हो जाएगा बेस, तो ये आपके क्या हो जाएगी बेस, फिर से एक बार रिपीट करा देना, ये हो जाएगी बेस, और एंगल के सामने वाली रेखा आपकी होती है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली रेखा आपकी हो जाएगी बेटा हाइपोटेनस, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए करेक्ट। इसके बाद देखिए आपको गिवन क्या और फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है फाइंड क्या करना है, आपको दिया गया 10 ए की वैल्यू दी गई 2/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 2 और बेस हो जाएगा आपका 5। इसके बाद हाइपो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाइपो की वैल्यू निकालने के लिए आपको अब डायरेक्ट बताएंगे आपको ठीक है, हाइपो की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो और रूट निकाल लो करेक्ट, तो 25+4 जब आप इसको ऐड करेंगे बेटा, जब इसको आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29, हाइपो की वैल्यू आ गई आपकी 29। फाइंड करना है आपको सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, चलिए फाइंड करना है आपको sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए, इसको दो माध्यम से आपको बताएंगे, पहले तो हम बेसिक से कर रहे हैं, इसके बाद आपको ठीक से थोड़ा बता देंगे और जल्दी भी हो जाएगा आपका ये, देखिए sec हाँ, और sec आपका होता क्या है cos का उल्टा, cos होता है बेस अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस, हाइपो की वैल्यू है आपकी √30, ऐसे लिख देते हैं अपना हाइपो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा कॉस जो है आपका किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, हाँ तो कॉस होता है अपना बेस अपॉन हाइपो, तो ये सेक क्या हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस अपॉन कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, इसका आपको बेटा क्या करना है, इसका करना है स्क्वायर। और जब कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाए, जब कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाए कैसी, जब कभी भी a अपॉन b और c अपॉन d कंडीशन बन जाए, तब आपको क्या करना है, पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई कराना है, तो हो जाएगा a इंटू डी अपॉन बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा b इंटू सी। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बने तो ये रूल आप फॉलो करिए, क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा करेक्ट। अब देखिए यहां से देखो, ये हाइपो से ये हाइपो खत्म हो गया करेक्ट, इस हाइपो से ये हाइपो कट गया। अब आप देखिए, आपको ही पता ये परपेंडिकुलर चला जाएगा ऊपर उठ के करेक्ट, परपेंडिकुलर चला जाएगा ऊपर उठ के, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, हाँ किसी को अगर दिक्कत हो रही हो, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा पहले वाला आखिरी वाले से मल्टीप्लाई, तो h इंटू पी, एच इंटू पी अपॉन बीच वाले से b इंटू एच, इसका बेटा आपको स्क्वायर भी करना है, तो वो भी ध्यान में रखते हुए लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ से अब देखिए, हाइपो से हाइपो की वैल्यू कट हो गई, हाइपो से हाइपो की वैल्यू कट हो गई, फाइनली क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा आपका p, डिनोमेटर में बचा आपका b, न्यूमरेटर में बचा p, डिनोमेटर में बचा आपका p, इसका करना है स्क्वायर। अब देखिए p की वैल्यू आपकी क्या है, p की वैल्यू आप बोलेंगे आपकी 2 है करेक्ट, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी 5, पर इसका आंसर जल्दी में आप ये वाला मत टिक कर देना, इसका करना है आपको स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 अपॉन 25 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल एक भी स्टेप स्किप नहीं की, बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बता दिया करेक्ट बेटा। अब देखियो चलते हैं नेक्स्ट स्मार्ट अप्रोच से ठीक है, चलो ये था अभी बेसिक, नेक्स्ट आपको बताते हैं इसमें हम कि नेक्स्ट क्या करेंगे। इतनी वैल्यू तो आपको सेम निकालनी ही पड़ेगी, इसके बाद बेटा देखिए वहां से फाइंड क्या करना है, आप बोलेंगे कि आपको फाइंड करना है sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए ठीक है। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, देखिए यहां से आप देखिए
और सिख होता क्या है, सिख जो आपका होता है, सिख क्या होगा, देखिए सिख जो होता है आपका sec थीटा वन अपॉन, ऐसे देखिए अभी आपने रेसिप्रोकल देखा था, जैसे कि मान लो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन cosec थीटा, वन अपॉन cosec थीटा करेक्ट। एज सिमिलरली ऐसे cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन sec थीटा, हाँ वन अपॉन sec थीटा। इसी प्रकार tan थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन cot थीटा करेक्ट। ये बात समझ में आई, या अगर आप इसको लेके आएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, cosec थीटा हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा sec थीटा, sec होता है क्या है, sec होता है वन अपॉन cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लगाया बेटा, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू है, अपॉन ये cosec क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेटा स्क्वायर में वैल्यू है। अब आपको भी पता है, जब मैंने कहा जब कभी भी a अपॉन b, b अपॉन c की वैल्यू में ऐसे फॉर्म में लिखा हो, तो पहला वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला लास्ट वाला मल्टीप्लाई, और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो फाइनली आपका रिजल्ट टेन क्या निकलेगा, साइन आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और बेटा आपको याद हो तो मैंने लिखाया था कल एक फार्मूला, आपको दो बताया था कि आपको ये सेल्फ फार्मूला है जो कि याद रखने हैं, tan थीटा जो आपका होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, विथ प्रूफ के साथ भी आपको बता दिया था कि ये क्यों होता है करेक्ट। चलिए तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, हाँ tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया बेटा कि आपको ये वाली बीच वाली स्टेप आपको स्किप करने के लिए, बीच वाली स्टेप ये दोनों आपको स्किप करने के लिए आप ये याद रखना पड़ेगा कि sec थीटा अपॉन cosec थीटा, sec थीटा अपॉन cosec थीटा क्या होता है tan थीटा, हाँ फार्मूला क्या हो जाएगा sec थीटा अपॉन cosec थीटा क्या होता है tan थीटा। तो बीच वाली स्टेप आपकी स्किप हो गई। तो देखिए फिर इस यहाँ पे फाइनली tan होता क्या है आपका p अपॉन b, इसका करना है आपको बेटा स्क्वायर। तो देखिए p की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, p की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देखिए कितने आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं केवल दो स्टेप में, ऑप्शन नंबर b आपका करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको जहाँ पे बेसिक बताना होगा वहाँ पे बेसिक से बताएंगे, जहाँ पे ट्रिक बताना होगा वहाँ से बिल्कुल ट्रिक बताएंगे, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन कराने का सोचेंगे बिल्कुल इजी वे में। चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपसे बोला गया है बेटा। 3 नंबर बोला गया है कि साइन थीटा, हाँ क्या दिया गया, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है आपको, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 9/41, ठीक। और साइन होता क्या है अपना, आप बोलेंगे साइन जो होता है क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, करेक्ट। ये बेटा बात समझ में आई। इसके बाद अपना ट्रायंगल बना लो, हाँ, और इस ट्रायंगल में थीटा आपका क्या है ये, हाँ थीटा के अकॉर्डिंग बेस आपका ये हो जाएगा थीटा के सामने वाली रेखा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली रेखा आपकी हो जाएगी हाइपो। पी की वैल्यू आपकी क्या है, बोलेंगे 9, करेक्ट। पी की वैल्यू क्या है आपकी 9, एच की वैल्यू आपकी 41। तो आप बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब आप भी जानते हैं कि अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो आपका जीवन की बर्बादी है, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आपने याद किया था ना ट्रिपलेट 9, 40 और 41, हाइपो आपकी 41 है, हाँ मतलब कि वो सेटिस्फाई कर सकता है, कौन सा ट्रिपलेट 9, 40 और 41, करेक्ट। तो बेस की वैल्यू आ गई आपकी 40। फाइंड करना है आपको बेटा cot थीटा, फाइंड करना है आपको cot थीटा, और cot किसका रेसिप्रोकल होता है आप बोलेंगे tan, और tan थीटा होता है p अपॉन b, तो ये हो जाएगा b अपॉन p, ये हो जाएगा b अपॉन p। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपकी 40 और p की वैल्यू है आपकी 9, तो 9/40 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट।
सॉरी 40/9 है ना, 40/9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप देखिए दिया गया कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू, और कॉस थीटा होता क्या है अपना, कॉस थीटा अपना होता है बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपो। यहाँ पे ट्रेंगल पहले आप बनाइए, जब आप ट्रेंगल बनाएंगे बेटा इसके बाद इसका नामकरण करेंगे, एंगल आपका थीटा आपका ये है, हाँ थीटा ये है। तो देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बोलेंगे सर आपकी है रूट थ्री, इसके बाद एच की वैल्यू है टू, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद कीजिए एक ट्रिपलेट आपको लिखाया था मैंने, क्या आप बोलेंगे वन रूट थ्री और टू लिखाया था, फ्लैशबैक में जाइए याद आ जाएगा वन रूट थ्री और टू, तो ये टू है ये रूट थ्री है तो ये कितना हो जाएगा वन, करेक्ट। इसके बाद फाइंड करना है हाँ टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है, करेक्ट, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से टेन होता है क्या है, आप बोलेंगे पी अपॉन बी स्क्वायर करना है इंटू बेस क्या होता है, सॉरी ये कॉस क्या होता है आपका बी अपॉन एच स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू करनी है। अब देखिए आप यहाँ से, अब यहाँ से पैर तरीके से बी से बी को आप कट कर सकते हैं, तो आपका बचेगा क्या पी अपॉन एच का, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, करेक्ट। और पी की वैल्यू आपकी क्या है, तो आप बोलेंगे पी की वैल्यू है आपकी वन, वन का स्क्वायर आपका वन ही रहेगा, एच की वैल्यू है टू और टू का स्क्वायर हो जाएगा आपका फोर, तो वन अपॉन फोर आपका हो जाएगा आंसर। आंसर कौन सा, आंसर नंबर बी आपका करेक्ट। और देखिए किस में आया ये क्वेश्चन, एस एस सी सी जी एल में रिलेवेंट आया वो क्वेश्चन है SSC CGL का। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो देख लीजिए बेटा किस में आया था आपका, SSC CGL मेंस में आया था, SSC CGL मेंस में। ये भी आप लेवल देख रहे हैं ना किस टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं आपको बस बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए किस में आया है, SSC CPO हाँ SSC CPO में बेटा आया है। आप देख रहे हैं किस लेवल के क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। देखिए साइन बीटा, हाँ साइन बीटा जो आपको दिया गया, क्या साइन बीटा क्या दिया गया, वन अपॉन थ्री साइन बीटा दिया गया आपको वन अपॉन थ्री। आप बोलेंगे और साइन होता क्या है, प्यार तरीके से आप बता दीजिए बेटा, साइन बीटा जो साइन होता है आपका क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, करेक्ट। यहाँ से आप फिर से ट्रेंगल बनाइए, ट्रेंगल हालांकि आपको बनाना नहीं है, एज्यूम कर लेना है ना, फिर भी हम आपको, मेरा तो कर्तव्य है सभी बच्चों को सिखाना, इस वजह से बनाना पड़ रहा है बेटा। चलिए किसी पॉइंट पे किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, बीटा एंगल आपका क्या है ये, करेक्ट बीटा, चलिए बीटा एंगल आपका ये है। देखिए पी की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे वन है, करेक्ट। एच की वैल्यू क्या है आपकी थ्री है, एच की वैल्यू थ्री है, तो बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप कैसे बी के पहलू फाइंड करेंगे, रूट हाइपो के स्क्वायर में से, हाँ हाइपो के स्क्वायर मतलब थ्री के स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर को आप घटा देंगे कितनी वैल्यू है वन, तो आपकी बेस की वैल्यू निकल आएगी, ये कितना हो जाएगा आपका नाइन माइनस वन, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी बेस की, अंडर रूट एट करेक्ट। इतनी बात समझ में आई बेटा, करेक्ट। चलो फाइंड करना है आपको sec बीटा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर, हाँ फाइंड करना है आपको sec बीटा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर। sec क्या होता है आपका, बोलेंगे sec जो होता है सर बेस का रेसिप्रोकल होता है, इसका सॉरी cos का रेसिप्रोकल, और cos होता है क्या अपना बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी ये हो जाएगा आपका एच अपॉन बी, करेक्ट। माइनस टेन क्या होता है पी अपॉन बी इसका स्क्वायर,
इज इक्वल टू, इसका बेटा एलसीएम लीजिए आप तो क्या हो जाएगा, डिनोमेटर सेम है तो एज अ सेम आ जाएगा बी आपका, ये हो जाएगा आपका एच माइनस पी का होल स्क्वायर। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको बेटा जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या है आप बोलेंगे 3 माइनस p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन b की वैल्यू क्या है रूट एट। इसके बाद इसका बेटा स्क्वायर भी तो करना है, अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन रूट एट इसका होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और रूट स्क्वायर से इसके रूट खत्म हो जाएगा, इस वाले में स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8। जब आपको फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच हो रहा है वही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि करेक्ट है। समझ में आया बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन है, SSC CHSL का क्वेश्चन है, हाँ सारे रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चन है, हाँ प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन। देखिए आपको 6 नंबर पे अभी तक पहुंचे हम, क्या दी गए 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया गया, 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है। इसके बाद आप जानते हैं 10 होता क्या है, तो आप बड़े पै तरीके से बोलें 10 होता है आपका P अपॉन B। आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाइए, इसके बाद इसके हाइपो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू आप लिखिए, चलिए आप लिखेंगे हाँ एंगल थीटा है आपका, तो थीटा आपका ये हो जाएगा। इसके बाद पी की वैल्यू क्या है 3, पी की वैल्यू आपकी 3, बी की वैल्यू है आपकी 4, तो हाइपो की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, हाँ आपको ही पता है बेसिक से नहीं जाना है इसमें, हाँ टाइम बर्बादी उसमें, जब तक आप बेसिक यहाँ पे सॉल्व करेंगे दूसरा बच्चा होगा कि आंसर टिक करके वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, डायरेक्ट हम आपको बताएंगे, आप वैसे बेसिक से करके नहीं बताएंगे, 3, 4 तो ये हो जाएगा 5, इसीलिए कह रहे हैं बार बार आपको ट्रिपलेट याद रखने ही हैं बेटा। तो चलिए फाइंड क्या करना है आपको, एक्सप्रेशन आपको ये दी गई है, क्या है फाइंड करना है आपको, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे एक्सपेंड करेंगे आगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये साइन होता है क्या है अपना P अपॉन H करेक्ट, 1 माइनस साइन हो जाएगा P अपॉन H, ये हम लिखा दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको, हाँ चलिए आगे आगे यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप वैल्यू रख दीजिए क्या है 1 प्लस, पी की वैल्यू कितनी है 3, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 5, हाँ अपॉन 1 माइनस पी की वैल्यू है आपकी 3 और एच की वैल्यू है आपकी 5। अब देखिए एक बच्चा होगा जो कि इसको और ज़्यादा लेंदी करेगा, पर आप ही देखिए डिनोमेटर दोनों के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये आपस में पहले ही कट जाएंगे ना, तो देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, चलो बता दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बात ना कहोगे कैसे स्टेप उड़ा दिया आपने, चलो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना तो आता ही होगा, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करिए, एलसीएम आ जाएगा आपका 5 में आप 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 अपॉन, ये नीचे आएगा आपका 5 में जब आप 3 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कितनी बार में जाएगा आपका 4 टाइम में, आंसर नंबर आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए CHSL का क्वेश्चन आपने कितने धुआंधार से निपटा दिया है ना, तो इसी लेवल में आपको मुझे लाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं ये पैर भरी नज़रों से इसको क्या करेंगे, इसको हम आपको दो तरीके से सॉल्व करके बताएंगे, पहला आपको बेसिक, इसके बाद ट्रिक। चलिए दिया क्या गया आपको देखिए ये वैल्यू आपको दी गई है, इसको फाइंड करते हैं। चलिए पहले तो इसको साइड में लगाइए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है इस वजह से, दिख रहा है सभी को, हाँ चलिए दिख रहा है,
बैकग्राउंड वाइट लेते हैं। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो तरीके बताएंगे। पहला मेथड आपको बता रहे हैं बेसिक से, दिया क्या गया आपको 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, दिया गया आपको गिवन है आपको 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 साइन थीटा को आप एच डी रखिए, 5 साइन थीटा ये माइनस की वैल्यू है उधर जाएगी तो आपकी हो जाएगी प्लस की, हाँ 4 कॉस थीटा। अब आपकी मर्जी साइन को इधर ले आओ या कॉस को इधर ले आओ, हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं। साइन आपका एच डी रहेगा, ये 4 आपका एच डी, 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। आपको भी पता है इधर ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे 10 थीटा, और 10 थीटा की वैल्यू क्या निकल आई 4 अपॉन 5। और 10 होता क्या है अपना, 10 होता है अपना P अपॉन B, करेक्ट। तो देखिए H की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे आप, H की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दो, हाँ 4 स्क्वायर करके जोड़ दो, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से इसका हो जाएगा आपका 16 प्लस 25। अब जब बेटा आप इसको ऐड करेंगे, तो 16 प्लस 25 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अभी आपको ये मत सोचना इस लेंदी, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि देखिए आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट लेवल पे बताएंगे बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच से, जो कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ के बाद कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं, इसके बाद स्मार्ट अप्रोच से भी देख लेंगे, करेक्ट बेटा। चलो अब बेटा यहाँ पे इतनी बात आ गई, जब बेटा आप इसको ऐड करेंगे, हाँ और एक बात मैं बता दूँ, पिछले वाला जो क्वेश्चन था, चलो बाद में बताएंगे, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको ऐड करोगे तो बेटा हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है, आगे आने वाले समय में आपको वो बताएंगे हम। इसकी वैल्यू क्या हो गई 41, हाँ अंडर रूट 41 आपको फाइंड करना है ये, हाँ तो उसको लिख लेते हैं एक बार, फाइंड करना है आपको, तब आपको फाइंड करना है 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, करेक्ट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं और आंसर अपना क्या तरीके से निकालते हैं, चलो 5 साइन होता क्या आपका P अपॉन H, P की वैल्यू है आपकी 4, P की वैल्यू 4 है और H है आपका अंडर रूट 41, करेक्ट, प्लस 2 इंटू कॉस क्या होता है B अपॉन H, B की वैल्यू आपकी 5 ब्राइट कर रहे हैं इतने तो आप स्मार्ट हो गए होंगे ना, स्मार्ट आपको बनाना है ये P अपॉन H, H की वैल्यू आपकी अंडर रूट 41 अपॉन अब इसकी वैल्यू रखो 5 और साइन की वैल्यू एजिटिव रखे तो आप क्या हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस 3 इंटू कॉस की वैल्यू एजिटिव ये रख दो 5 अपॉन अंडर रूट 41। अब देखिए एक बच्चा होगा जो कि इस कैलकुलेशन को अपने आप गलती करके इसको और बड़ी बनाता हुआ चला जाएगा, पर हम आपको बता दें देखिए इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, देखिए ये कुछ वैल्यू है प्लस ये कुछ वैल्यू है, याद कीजिए तो आप जब बचपन में थे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाता था, आसान तरीके से समझा 1/41 ऊपर से बाहर आ जाएगा, नीचे से देखिए 1/41 ना ये आपस में आके कट जाएंगे, तो यहाँ से ये 41 का रूट
खत्म हो जाएगा, इसका फंडा खत्म। इसके बाद बचा क्या आपका, चार पंचे 20 प्लस पाँच दूनी 10 अपॉन, ये हो जाएगा चार पंचे 20 प्लस पाँच तीन 15। अब जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। करेक्ट, कैसे देखो, क्योंकि 1 अपॉन दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो बाहर आके वो कट जाएगा, तो पहले ही हमने काट दिया, क्यों अपनी कैलकुलेशन लंबी करें। फाइनली जब आप करेंगे दो स्टेप में जाएगा तब आप कर पाएंगे, दो स्टेप पहले ही स्किप कर दो आप, इससे बढ़िया चलिए। ये हो जाएगा 30 अपॉन 35। अब जब आप इसको 5 से कट करेंगे 6 अपॉन 7 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि करेक्ट है। अब हम इसको बताते हैं आपको नेक्स्ट मेथड से, करेक्ट, समझ में आया। अब नेक्स्ट मेथड से बताते हैं आपको, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मेथड में आपको इतना सारा कुछ करना ही नहीं है, और इवन मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपको ये भी नहीं करना, चलो इतने में ही आपको सॉल्व करा देते हैं। हाँ चलो, देखो कितनी स्टेप बच गई आपके, हाँ चलिए स्मार्ट बनाना है भाई। क्या है आपका, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन, अपॉन क्या है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। यहाँ से हम डायरेक्ट केवल साइन की वैल्यू लिख सकते हैं, साइन किस इक्वल में क्या है 4, कॉस के इक्वल में क्या है 5। अभी बताएंगे क्यों लिखा, सबसे पहले सॉल्व करें। देखियो 5 इंटू डायरेक्ट साइन की वैल्यू लिखेंगे क्या 4 प्लस क्या है 2 इंटू डायरेक्ट कॉस की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस के सामने ये है और साइन के सामने ये है आपका 5। आपको बता रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, पहले सॉल्व कर लें। 5 इंटू साइन, साइन की वैल्यू क्या आपकी 4 प्लस 3 इंटू कॉस, कॉस के इक्वल में क्या है आप बोलेंगे 5। अब जब बेटा आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 10 हो जाएगा ऊपर 30, और 4 पंचे 20 15 हो जाएगा आपका 35। 5 से जब आप कट करेंगे तो 6 अपॉन 7 ही फाइनली आएगा। हाँ ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर रहा है, चलो क्यों कहिए आप बता रहे हैं आपको। देखिए बेटा जो आपका साइन होता है ये क्या होता है आप बोलेंगे, साइन जो होता है आपका होता है पी अपॉन एच, करेक्ट, साइन होता है पी अपॉन एच नीचे वाले में, ऊपर हो जाएगा बी अपॉन एच एज अ सेम नीचे हो जाएगा ये बी अपॉन एच। अब जब बेटा आप एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से देखो एच 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 आपका पहले ही कट जाएगा, तो बचा क्या आपका पी प्लस बी और पी प्लस बी, करेक्ट, इसलिए हमने एच की वैल्यू पहले ही काट दी और डायरेक्ट साइन इक्वल 4 लिख लिया और कॉस इक्वल में 5 लिख लिया। ये होता है बेटा आपका स्मार्ट तरीका करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, क्योंकि ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। हाँ चलिए, दिया क्या है आपको 5 कॉट थीटा, दिया गया है आपको 5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3। इसको बेटा आप फाइंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर डिवाइड में, करेक्ट, क्या हो जाएगा डिवाइड में। इसके बाद एक पॉइंट में मेरे और ध्यान दीजिए आप, मैंने लिखाया था कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, हाँ तो ये हो जाएगा टेन क्या होता है अपना देखिए, टेन थीटा जो होता है क्या लिखाया था मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन, तो कॉस ऊपर और साइन नीचे हो जाएगा, करेक्ट, तो आपका जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, हाँ कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आप लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं cot theta इज इक्वल टू cos theta अपॉन sin theta होता है, करेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं ना कि cos theta अपॉन sin theta के इक्वल में होता है, क्योंकि इक्वल में इसमें राइट हैंड में क्या वैल्यू लिखी है 3/5। ये बात समझ में आई किसी को इस पॉइंट में, अभी तक कोई दिक्कत, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल प्यार भरी नजरों से, देखिए निकल आया। अब देखो जब कभी भी साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दोनों में बने वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब आपको वही रूल फॉलो कर देना है। हाँ देखो साइन 6 इंटू साइन थीटा, हाँ
लिख लेते हैं, पहले क्या लिखा, सिक्स साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा अपॉन सेवन साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है एज इंटेड। चलिए अब आप सॉल्व करेंगे, आपको ही पता है ये होता है पी अपॉन एच, ये भी होता है पी अपॉन एच, एज अ सिमिलरली ये हो जाएगा बी अपॉन एच, ये हो जाएगा बी अपॉन एच, आपको ही पता है एच से एच खत्म हो जाएगा ऐसे, देखो हाँ ये क्या होता है पी अपॉन एच, करेक्ट, ये हो जाएगा आपका बी अपॉन एच, ये हो जाएगा आपका पी अपॉन एच, ये हो जाएगा बी अपॉन एच। अब जब आप एच 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 सब जगह से कॉमन ले लेंगे, ऊपर से एच नीचे से एच, तो ये एच 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 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर फाइनली पी माइनस बी और पी प्लस बी, करेक्ट। तो आप डायरेक्ट साइन की वैल्यू क्या लेंगे, थ्री, साइन की वैल्यू लेंगे फाइव, साइन की वैल्यू लेंगे फाइव, कॉस की वैल्यू लेंगे आप थ्री, करेक्ट। देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, हाँ देखो हम आसान से आसान तरीका बताने को सोचते हैं, सिक्स एज इट इज, साइन की वैल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे फाइव, हाँ फाइव माइनस थ्री इंटू कॉस की वैल्यू की जगह पे लिखेंगे थ्री, सेवन इंटू साइन फाइव है प्लस थ्री इंटू कॉस की जगह पे लिखेंगे थ्री। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, हो जाएगा आपका थर्टी माइनस नाइन, थर्टी माइनस नाइन ये हो जाएगा आपका पैंतीस प्लस नाइन, करेक्ट। बात समझ में आए किसी इस किसी भी बच्चे को, इस पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं होनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो। अच्छा जब इससे आप लेस करेंगे तो हो जाएगा 21 अपॉन 21 अपॉन 44, 21 अपॉन 44 आंसर नंबर कौन सा आपका मैच कर रहा है, आंसर नंबर बी, हाँ 21 अपॉन 44 है, 44 अपॉन 21 नहीं है, करेक्ट बेटा। चलिए यह कितने अच्छे से हो गया। नाइन नंबर देखते हैं, नाइन नंबर आपका देखिए किस में आया है, SSC CHSL में आया है। चलो इसको भी देखते हैं प्यारी भजन नज़रों से, प्यार भरी नज़रों से इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया आपको, साइन ए, हाँ साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या दी गई है आपको, टू अपॉन फाइव, और साइन आपका होता क्या, आपका पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ट्रायंगल बनाइए आप, हाँ और ये आपका क्या है थीटा को किसे डिनोट किया गया, आप बोलेंगे ए से, पी की वैल्यू क्या है टू, हाँ एच की वैल्यू आपकी फाइव, हाँ तो देखिए एच की वैल्यू फाइव और पी की वैल्यू क्या है टू, तो बी की वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे, पी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हाइपो के स्क्वायर से पाइप के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा दो तो आ जाएगी हाइपो की वैल्यू, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस फोर, करेक्ट, ये हो जाएगा रूट 21, बेस की वैल्यू आपकी आ गई रूट 21। अब देखते हैं फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड करना है बेटा आपको ये फाइव, फाइव साइन ए, फाइव साइन ए प्लस, फाइव साइन ए प्लस टू कॉसेक ए, टू कॉसेक ए अपॉन अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट 21, हाँ 21 sec sec a। चलिए सॉल्व करिए इसको, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्यार भरी नज़रों से तो क्या हो जाएगा, इत्मीनान से सॉल्व करना है, देखिए पाइप, हाँ पाइप साइन, साइन क्या होता है आपका पी अपॉन एच, पी की वैल्यू आपकी टू अपॉन एच की वैल्यू क्या है फाइव, करेक्ट, एच की वैल्यू आपकी फाइव प्लस प्लस टू, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, साइन होता है पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी फाइव अपॉन टू, करेक्ट अपॉन, ये क्या है एज इट इज रखेंगे अंडर रूट 31 अंडर रूट 31 इंटू सेक, किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस होता है आपका 20 बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी फाइव अपॉन बी की वैल्यू क्या है आपकी रूट 21। अब देखिए बेटा यहाँ से आपकी मौज हो गई, देखो फाइव से फाइव कट गया, टू से टू कट, ये रूट वाली वैल्यू से रूट वाली करता हूँ क्या आ गया टू प्लस फाइव, हाँ कितना आया टू प्लस फाइव, टू प्लस फाइव सॉरी फाइव ही तो है यहाँ पे, क्यों हम ज़्यादा लिख रहे हैं, हाँ डेटा क्यों ज़्यादा लिख रहे हैं, जितना है उतना ही तो लिखना पड़ेगा। यहाँ से देखो केवल और केवल टू बचा, यहाँ से केवल फाइव बचा और नीचे बचा आपका केवल फाइव,
तो आप जब इसको फाइनली ऐड करेंगे, जब फाइनली ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप बोलेंगे 7/5 सर आ जाएगी, प्यार भरी नज़रों से देखा था इसीलिए तो आंसर आ गया 7/5, ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन नो कर लेते हैं, इसके बाद वाइंड अप करते हैं इसको। 10 नंबर देखिए आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्लाइड को छोटा करना बहुत ज़रूरी है इस समय क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग, तो हम लॉन्ग को भी बताते हैं क्या इजी, आप देख ही रहे हैं लेवल आपका कैसे बढ़ रहा है, सीजीएल में आया बेटा क्वेश्चन है, वो भी रिलेवेंट 2022 में पूछा गया था। चलिए क्या दिया गया आपको, सेक ए की वैल्यू दी गई है 17/8, सेक ए की वैल्यू आपको दी गई है कितनी बेटा 17/8 करेक्ट। और सेक होता क्या आपका कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, ये हो जाएगा आपका एच अपॉन बी एज इंटेड करेक्ट। चलो ट्रायंगल बनाते हैं ना भाई, बहुत जरूरी है ट्रायंगल बनाना, बहुत जरूरी है ट्रायंगल, के बिना मजा नहीं आती ना। चलो थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, ए बोलेंगे, हाँ बेटा क्या है ए, ए आपका ये है। और देखिए एच की वैल्यू आपकी 17 करेक्ट, बी की वैल्यू आपकी 8, तो आप हाई परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेसिक करेंगे नहीं आप, करने नहीं देंगे आपको। देखिए याद कीजिए एक ट्रिपलेट होता था आपका क्या 8 15 17 8 15 17, तो ये 8 है ये 17 है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है ये हो जाएगा 15 करेक्ट। अब उसके बाद आपको कंडीशन दी गई है 34 sin theta + 15 cot theta / 68 cos theta - 16 tan theta, इसको बेटा करते हैं सॉल्व, और हाँ प्यार भरी नज़रों से सॉल्व करेंगे तभी आंसर इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। हाँ चलिए क्या है 34 sin A plus 15 cot A अपॉन में दिया गया आपको 68 cos A -16 tan A। सॉल्व करिए बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे प्यारा धरती में समझो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलो 34 तो साइन होता है क्या आपका P अपॉन H, ये आपका P है, ये आपका B है, ये आपका H है करेक्ट। P अपॉन H 15/17 plus 15 cot क्या होता है आप बोलेंगे 10 का रेसिप्रोकल होता है 10 होता है अपना P अपॉन B, तो ये हो जाएगा cot B अपॉन P हाँ 8/15 करेक्ट। इसके बाद बेटा नीचे वाला सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर वाला पार्ट, 68 को आप एज इट इज रखेंगे, कॉस क्या होता है अपना, कॉस होता है अपना B अपॉन H 8/17 हाँ -16 × 10 क्या होता है अपना P अपॉन B की वैल्यू कितनी है 8 बेटा। यहाँ से भी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से मौज होगी, देखो 17 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 17 × 2 = 34, 15 से 15 खत्म, 8 से कितने टाइम में जाएगा ये 2 बार में, और ये चला जाएगा 4 टाइम में ठीक, 17 × 68। अब देखो बचा क्या आपका, बहुत ही सिंपल दिख रहा था, बहुत ही खयानक मतलब खजाना दिख रहा था इसमें ना, पर ज़्यादा है नहीं, आप जब उसके अंदर भीतर गए तो बहुत ही छोटा मिला, हाँ बाकी उसका कोई ले गया था। चलिए हाँ इसको सॉल्व करें, देखो 15 और 2 लिख देते हैं फिर से, यहाँ से बचा आपका 2 × 15 करेक्ट +8 अपॉन क्या हो जाएगा 4 × 8 - 2 × 15 करेक्ट। इसको बेटा आप जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 15 × 2 = 30 +8 हाँ ये हो जाएगा 32 - 15 × 2 = 30 करेक्ट बेटा। के बाद आप जब ऊपर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38 और नीचे आपका हो जाएगा क्या 2, नीचे होगा 2। अब प्यार भरी नज़रों से जब आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा आपका 19 बार में या 19 बार में,
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, एसएससी सीरियल का पूछा हुआ। देखो कितने आसान वे में आप कर पा रहे हैं, और हाँ इसी स्पीड में आपको करवाएंगे। अभी तो आपका ये केवल प्रैक्टिस चल रहा है समझो, अभी देखना कितने लेवल अप लेवल में इसके क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे पता है बच्चे पेन नीचे डाउन करने की स्थिति में आ जाते हैं, वहाँ भी आपको स्मार्ट बनाएंगे हम, ठीक है। पर साथ मेरा मत छोड़ना, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ये आपकी सेकंड क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की, ऐसा ही इसी स्पीड से आपका ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, और आप देख रहे हैं रिलेवेंट क्वेश्चन ये आपके करा रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जैसे क्वेश्चन, हाँ प्रीम प्लस मेंस के क्वेश्चन, हाँ सीएचएसएल के सीपीओ के, हाँ और बेटा जिसमें टैग नहीं लगा है वो भी किसी ना किसी अच्छे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। चलिए टैग लगाने का मतलब ये होता है कि बच्चे को हाँ लगे कि हाँ हम इस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इससे बेटा आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होता है, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।